हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड जोहारी। उड़ीसा पे अभी एक फेस्टिवल है नुआखाई। नुआखाई सब लोग जोहारी एंड आम उड़ीसावासी रो भाई भौनी मो परिवार समस्त को नुआखाई रो नमस्कार, नुआखाई रो जुहार समस्त को। आज मु नुआ चावल रो गुंड रे गुटे नुआ रेसिपी बने कि देखौछि। गोइठा जोठा हमर उड़ीसा रे बेसी फेमस से जिनस को आउ आपण माने नुआखाई पर्व रे आकु आपण मानको घरे घरे बनेकि खाई पारेबे आउ खांतु ए हमर अनुरोध। आज मैं आप लोग को एक छोटा सा वीडियो शेयर करूँ पायस बनाने का, जो उड़ीसा में बहुत फेमस है ये। और बस सिंपली से राइस फ्लावर से उसको बनाने के लिए मैंने लिया लौंग थोड़ा और किशमिश, ये तेज पत्ता है, और गोल मिर्च ब्लैक पेपर और काजू लिया था जो मैंने आपको दिखाया था पहले। उसके बाद उसको बनाने के लिए, पायस बनाने के लिए मैंने एक राइस फ्लावर ले रही हूँ। अभी उड़ीसा में न्यू धान न्यू चावल खाने का एक फेस्टिवल है आज का दिन में, तो न्यू चावल का ये राइस फ्लावर है और उसको मैंने ले रही हूँ। एक कप लिया ऑलरेडी ये राइस फ्लावर, उसमें से मैंने एक छोटा सा पायस बना के आप लोग को शेयर कर रही हूँ। और ये एक्चुअल बहुत हेल्दी दायक है, बहुत हेल्दी है। पायस बनाने के लिए आप बहुत कुछ चीज़ ढूंढते हैं लेकिन ये घर से सिंपली से बन सकती है। और मैंने एक सस्पेंट ली हूँ, उसमें पानी बॉयल कर रही हूँ, अच्छी से पानी बॉयल करना है। थोड़ा नमक ऐड की हूँ, आप लोग को जितना चाहिए जितना पावर ले रही हूँ उतना नमक ऐड करना है। और ये लोग देख, ये आप लोग देख सकते हैं लौंग जो मैंने लिया था, लौंग का बीज का मैंने बीज ली हूँ। और जो राइस फ्लावर मैंने लिया था एक कप, उसमें मैंने ऐड की हूँ। और ये थोड़ा कोकोनट है, कोकोनट को मैंने खुर के रखा था तो कोकोनट को भी मैं थोड़ा बहुत मिला रही हूँ इसमें। और आप लोग कोकोनट मिला सकते हैं, नहीं भी तो नहीं, लेकिन बहुत लोग नहीं मिलाते हैं लेकिन मैं मिला रही हूँ, आप लोग भी मिलाओ होंगे भी तो अच्छा लगेगा, नहीं भी तो नहीं। बस राइस फ्लावर को, राइस फ्लावर चावल का पाउडर से ही बनाते हैं ये, लेकिन मैंने थोड़ा उसको न्यू टाइप से बना रही हूँ, न्यू तरीका से। और ऑलरेडी मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया, राइस फ्लावर कोकोनट एंड लौंग का बीज को। और जो पानी बॉयल हो रही थी वो पानी को अच्छे से उसमें ऐड करना है, मिक्स करना है। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये उसको अच्छे से मिक्स करना है। और आम उड़ीसा रे तो बहुत लोग गोइठा बने की खाती, बहुत तो भलो लगे, बहुत स्वादिष्ट भी लगे गोइठा खाइबा पई। आ मते भी बहुत पसंद, आम पटे तो एबे आजिरो नुआ नुआ खाई दिन रे तो समस्ते नुआ चावल नुआ गुंड नुआ मुड़ी चूड़ा सब बनैकी खाती। आपण माने भी आकु थोरे बनैकी खांतु, बहुत भल लागिवो। आ मु टिके नुआ टाइप रे नुआ रेसिपी करके शेयर करूछि आपण माननकु। और उसको गरम पानी से अच्छे से आपको मिक्स करना है, बॉयल करना है। और 10 मिनट तक उसको ढांकुन दे के रखना है, उसको कवर करके रखना है। ऑलरेडी 10 मिनट हुआ, मैंने कवर से निकाली हूँ उसको। और ये एकदम बहुत मस्त से डो हुआ है तो उसको राउंड राउंड गोल गोल करने के लिए, छोटू छोटू गोल करना है। तो मैं थोड़ा घी ली हूँ मेरे हाथ में लगाने के लिए, जा छुटना छुप के इसलिए। और आप जितना छोटा छोटा गोल करोगे ना, राउंड करोगे, उतना ही ये टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ओ मु के नुआ स्टाइल रे बनाऊँ से टिके घी नेली, घी को हाथ में लगे जहाँ हाथ में न लगू कहीकि आउटा मु चाउल गुंड को सीझे की रखी थी गरम पानी में, ताको छोट छोट राउंड राउंड गोल गोल करुच्ची। छोट छोट गोल बनइबे से ही टेस्ट आसीबो, बहुत बढ़िया लगे। और नेक्स्ट स्टेप मैंने बनाने के लिए थोड़ा सा ली हूँ घी सस्पेंड में, जो मैंने काजू और किशमिश ब्लैक पेपर तेज पत्ते रखा था उसको थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और जो काजू किशमिश गोल मरीच तेज पत्र टिके मु जस्ट फ्राई करुच्ची घी रे, टिके टिके ब्राउन हेला पर्यंत। ऑलरेडी मैंने उसको ब्राउन होने तक फ्राई किया, उसके बाद मैंने निकाली उसको साइड में एक रख रही हूँ। और देख रही है ना ये जो गोल गोल राउंड राउंड मैंने बनाया था, किच देखने में बहुत अच्छा लग रही है ना, आप लोग को भी ऐसे बना सकते हैं, उसमें से भी आप छोटा सा बना सकते हैं। और आगे प्रोसेसिंग के लिए, पायस बनाने के लिए मैंने थोड़ा दूध ले रही हूँ। और आप लोग चाहे तो घर का दूध ले सकते हैं, अमूल का पाउडर भी ले सकते हैं, और हम तो बाहर से दूध लेते हैं इसलिए अमूल का दूध लिया हूँ मैंने।
और शुगर भी लिया हूँ, जो शुगर मधुर का पैकेट है, बहुत स्वादिष्ट है। आप लोग कौन सा शुगर यूज करते हैं मालूम नहीं। ये है दूध और मैंने दूध ऐड कर रही हूँ एक सस्पेंट में, एक पात्र में, और थोड़ा सा पानी ले रही हूँ क्योंकि दूध को अच्छे से बॉईल होने तो कुछ को घुमाना है ना, इसलिए पानी भी थोड़ा लेना है। और जितना मुझे चाहिए और आप लोग को भी स्वादिष्ट अनुसार जितना चाहिए उतना शुगर लेने का। मैं भी ऐसे ही शुगर ले रही हूँ और उसको अच्छे से बॉईल होने तक तो हमको वेट करना है। आपण मैंने भी केमती बनाऊँगी मुँह तो जानी, मुझे सिंपली से एमती बनाऊँ। अच्छे से बॉईल होने के बाद दूध और पानी शुगर मिक्स होने के बाद उसमें थोड़ा सा राइस फ्लावर, राइस का पाउडर ऐड करना है और उसको अच्छे से घुमाना है, मिक्स करना है। और ये तो उड़ीसा में बहुत लोग को मालूम है, जो लोग फैमिली वोमेंस लोग है उस हर घर में ये बनता है। उड़ीसा में बहुत फेमस का पाइस है, ये हर फेस्टिवल में ये बनाते, हर टाइम में भी बना के खाते है। और प्लीज़ आप लोग भी बनाए। और उसमें जो ऐड हुआ ना पाउडर, दूध, मिल्क, ये सब है अच्छे से, उसका अंदर मैंने एक तेज पत्ता डाला। तेज पत्ता भी अच्छे से बॉईल हुआ, थोड़ा फ्लावर आने के बाद उसमें मैंने जो गोल गोल राउंड राउंड किया था डो को, वो डो को छोटा छोटा डो को मैंने उसमें छोड़ना है, धीरे धीरे रखना है उसमें रखना है। जो बॉईल होने का टाइम आप रखोगे बिना वो नहीं टूटेगा, वो अच्छे से ही ऐसे कुक होगा। और उसको 5-10 मिनट तक छोड़ना है कवर करके। और हाँ, जो भी मेरी चैनल पे न्यू है प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। और मुझे प्लीज़ सपोर्ट चाहिए आप लोग का। और 10 मिनट तक जब बॉईल हुआ वो डो को, मैंने छोटे छोटे डो को रखा था दूध में, मिक्स किया था पास में, वो हो गया। उसके बाद मैंने जो फ्राई की थी काजू, ब्लैक पेपर और किशमिश, उसको मैंने ऊपर ऐड कर ली और उसको अच्छे से थोड़ा मैंने मिक्स कर रही हूँ, घुमा रही हूँ। देख सकते ना आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है ना ऑलरेडी। वो टूटा भी नहीं कि नीचे भी नहीं लगी, ऑलरेडी एक एक पीस दिख रही है, एक एक पीस ही लग रही है। और आप लोग को पसंद है तो आप लोग घर पे बना सकती है, बच्चे लोग के लिए बहुत हेल्दी दायक है। इसमें बहुत सिंपली है, हेल्दी है ना, दूध बास थोड़ा मिली है, काजू, किशमिश, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा शुगर, जिसमें आप लोग को जितना शुगर चाहिए उतना, मतलब ये बहुत सिंपली से पाइस बन गया। आपका घर में जो फैमिली भी आएगा ना, आप लोग ये भी बना के शेयर कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो माय फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय।